सो शी इज़ माई आंटी एंड शी इज़ फ्रॉम अ निकोबारी कल्चर कम्युनिटी. सो लेट्स टॉक टू हर एंड नो हाउ डज निकोबारी पीपल्स थिंक. एंड आंटी आप बताइए निकोबारी कल्चर के बारे में आप क्या क्या जानती है, लाइक आप निकोबारी कल्चर से हो सो आपको क्या क्या पता है, मैं ऑडियंस को बताइए. उतना तो पता नहीं है लेकिन फिर भी कितना मेरा जानकारी है जी वही हम बताते हैं. जी बताइए. सबसे पहले क्या है विंडोज निकोबार में जी, जैसे कि बिग फेस्टिवल है जी, ये बिग फेस्टिवल मनाने के लिए हम लोग को बहुत मुश्किल झेलना पड़ता है क्योंकि इसमें पूरा तैयारी जैसे कि जानते हम सब जानते हैं हमारे निकोबार में 15 विलेज हैं. इस 15 विलेज में एक विलेज बिग फेस्टिवल मनाएंगे तो उसी का तैयारी करने के लिए कम से कम एक साल का टाइम होता है. अच्छा, क्यों क्यों इसमें जितना भी हम लोग का रिश्तेदार लोगों सब को बुलाना है इस बिग फेस्टिवल में. उसमें क्या है सुअर के ऊपर में गाना बनाना, बच्चनों के ऊपर में लोरी बनाना, फिर उसमें डांस करना और पूरी रात पार्टी चलती है. पूरा रात रात भर पार्टी चलेगा. फिर उसमें वही बस्ती 15 बस्ती से फिर हम लोग अपना घर में काम करने के लिए अपना रिश्तेदार लोगों को बुलाएंगे काम करने के लिए. उसके लिए फिर हम लोग कपड़ा देना सब कुछ देना. अच्छा, इसके दौरान हम लोग का प्रत्येक जो रिश्तेदार लोग हैं वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे. पहले मतलब बिग फेस्टिवल के मतलब मनाने के पहले 5 महीना पहले हम लोग उन लोग के पास देंगे. हम लोग बता देंगे कि फलाना टाइम में हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे, आप लोग बनाना ये सब लेके आना फलाना, जैसे कि चटाई फिर ये तहाग, हम लोग इसको तहागला बोलते हैं. तहागला इसको हम लोग बोलते हैं. फिर मूर्ति लेके आना, चटाई लेके आना, ये सब हम लोग अपना रिश्तेदार को. फिर वो लोग आएंगे, रात भर डांस होगा नाच होगा. फिर सुबह का टाइम में फिर हम लोग जितना रिश्तेदार 15 बस्ती में से जितना रिश्तेदार है सब बस्ती में हम लोग एक 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 करके सुबह दे देंगे. और एक बस्ती में कितना लोग रहते हैं? एक बस्ती में बहुत बहुत है, बहुत घर है. 6 से 7 हज़ार लोग? नहीं नहीं, उसे भी दिक्कत नहीं ना, 1000-2000 इतना का. तो ये सब पूरा निकोबार आइलैंड्स के अंदर ही होता है. फिर दूसरा है हम लोग का सेंट स्टे. हम लोग का जज का जो सेंट स्टे है निकोबार में 10 जजेस है. 10 जज है हर महीने, मतलब जैसे कि फर्स्ट है हम लोग का डिफेनी जज ऑफ डिफेनी, वो है 6 जनवरी को मनाया जाता है. इसी में हम लोग का प्रेयर होता है. उसमें भी पेंडोल लगा रहेगा. उसमें सब चीज़ का बिक्री होगा, जैसे कि केला का, कुमिया का, गन्ना का, आलू का, सब कुछ उसमें बिक्री होगा. फिर नेक्स्ट है हम लोग का हम लोग का कीएलए भी है. जैसे कि हार्वेस्टिंग नहीं होता तो ये भी उसी तरह है. ये 5 फसली में मनाया जाता है. एक है अराउंड में, एक है सवाई में, और एक है कमालू में, और दूसरा मलाका में, और काकना में, और किनोज में. 6 जगह में ये सब मनाया है. ये सब बस्ती जो है ये निकोबार के अंदर ही है. हाँ, निकोबार के अंदर में. इसमें सब क्या है, जब ये मनाया जाता है कीला जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग को सब बुलाएंगे. फिर उसमें रेसलिंग रहेगा, कुश्ती रहेगा उसी में. फिर कभी कभी वो लोग अपने हम लोग का होड़ी नहीं निकोबारी होड़ी उसके ऊपर में भी कुछ गाना एक बस्ती को बुलाएंगे. जैसे कैनोइंग है, कैनोइंग मतलब वो जो बोट जो कहते हैं चलाते हैं, लेकिन वो इतना छोटा नहीं लंबा है, मतलब कम से कम 12 मीटर का रही है. 12 मीटर मतलब उसको चलाने कितने लोग रहते हैं? कम से कम 50-60 ऐसे. ओके, 50 लोग एक ही मतलब एक ही यूनिफॉर्म में. एक ही यूनिफॉर्म. ओके, ये भी एक तरह का फेस्टिवल है.
और कुछ और दूसरा है क्रिसमस। क्रिसमस में भी हम लोग यहाँ में जैसे मनाते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं, क्योंकि हर रात में जब क्रिसमस होगा एक तारीख से, दिसंबर के एक तारीख से शुरू होता है कैरल सिंगिंग। हर बस्ती में जो 10 चर्च है वो पूरा राउंड मारेगा निको बार का रात भर। वो भी है एक, तो अभी तो हम लोग हटबे में हैं, तो निकोबार से कैसे यहाँ पे आना हुआ, लाइक निकोबार में हम लोग इधर ये जो जगह है ना हरमिंदर ये हम लोग का जॉन बिशप जॉन रिचर्डसन के नाम से किया है, वो इसी का नाम से बिशप जॉन रिचर्डसन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही जमीन उसको दिया। ये वो क्या सोचते हैं, हम लोग यहाँ में हम वहाँ में अकेला नहीं रह सकता, मेरा सब निकोबारी लोग बाहर जाएंगे। अच्छा, फिर सबसे पहले जो बैच था 1973 में 27 मार्च यहाँ में खत्म हुआ था, फिर उसके बाद में 1978 सेकेंड बैच आया, फिर उसके बाद में फिर और एक बैच आया थर्ड बैच उसको बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ में रह रहे हैं उसी का नाम से। इसलिए वहाँ यहाँ में और आगे एक बस्ती है उसी का नाम से दिया जाता है, जहाँ जक्सन छोटा बस्ती है वहाँ आगे में। ये जो जमीन है हम लोग का हरमिंदर थे उसी के बदौलत से। सो इतना दिन तो यहाँ पे नेट तो था नहीं, अंडमान में तो नेट ही नहीं था, 2G में चलता था। सो अभी तो वाईफाई तो जस्ट अभी आया, इसका पहले बिना नेटवर्क का सब क्या चलता था, कुछ नहीं खाली रेडियो था। अच्छा, मतलब 2020 तक 2019 तक भी सिर्फ रेडियो, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। हम लोग जैसा हम भी पोर्ट ब्लेयर का है तो मेरा भी चलता था वैसा ही, हम लोग 2G में भी थोड़ा बहुत नेट यूज कर लेते थे या फिर नेट कैफे। इससे पहले लैंडलाइन फोन था। अच्छा, सिर्फ वही था। फिर लैंडलाइन फोन जो है सुनामी के बाद में सब वॉश आउट हो गया, उसके बाद में फिर नहीं लगाया यहाँ पे। फिर जब भी यहाँ में मतलब VIP लोग आती इसके बारे में हम लोग बोलता है, हम लोग के लिए सेटेलाइट बना के तो नेटवर्क हम लोग का बिल्कुल यहाँ में भी जो बच्चा पढ़ने वाले लिए बहुत मुश्किल में पढ़ते हैं बहुत साल से। जब भी कोई इधर आया विजिट करने के लिए हमेशा ये सब बात होती है, लेकिन नहीं होता। और आपका ट्रेडिशनल डांस, यूवर ट्रेडिशनल डांस और ट्रेडिशनल कपड़ा वो थोड़ा बताइए। हम लोग जो पहनते नाम क्या होता है निकोबार इसमें क्या बोलते हैं हिला, उसको हिला बोलता है जो नीचे जो पहनते हैं उसको हिला बोलता है, जो नीचे पहनते हैं उसको हिला बोलते हैं, और जो ऊपर में पहनते हैं उसको इंजुक बोलते हैं। इंजुक ओके। और ट्रेडिशनल डांस फॉर्म का कुछ नाम नहीं है, इंद्री रेबा बोलता है उसको। क्या बोलते हैं? इंद्री कुछ फेवरेट कुछ खाने का ऐसा है फेवरेट ट्रेडिशनल फूड क्या है? जैसे कि कुबेंग है, वो क्या होता है? केवड़ी। वो क्या होता है? केवड़ी वो होता क्या है? आपको कैसे समझाएगा, केवड़ी तो यहाँ में नहीं है, हम लोग अच्छा। अनुपार में केवड़ी है। दिखता कैसा उसको हिंदी इंग्लिश में कुछ? केवड़ा जो नहीं बोलते, केवड़ा का जो फूल रहता है, फूल रहता है और इतना बड़ा फूल भी होता है, लेकिन ये जो शीशो के सामने ओके तो रेड वाला वो वैरायटी है ओके। लेकिन हम लोग अनुपार में दूसरा है, वो तो इतना बड़ा है, हम लोग अनुपार में इतना बड़ा है जो खाने वाला है ये जो शीशो के पास में आपको देखने मिलते हैं वो खाने वाला चीज है। लेकिन वैरायटी है वो केरला का वैरायटी। और आपका मलयाली आलू जानता है, कुइया जानता है, मिठाई जानता है, और केला नॉन वेज में हाउन सुवर ओके। और पकर मटन ओके मटन हाँ। फिर आपका बड़ा कोस ओके मछली हाँ। और मछली हाँ। और मीठा पानी का मछली ओके, जैसे पा मच्छी झींगा और आपको
फिश सलाद। फिश का सलाद? हाँ। फिश का सलाद कैसा बनता? कच्चा होता है। मतलब कच्चा एकदम लेयर बाय लेयर काट के उसमें क्या करते, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके फिर उसमें नींबू अदरक और नारियल दूध डाल के वो बनाते। फिर ये बोलने से किसका साथ खाना पता, जैसे कि आलू और केवड़ी के साथ खाना, तब मजा आएगा आपको। ओके, सो अभी मेरा ये है मानना, देखो मैं बाहर पढ़ता हूँ तो जब मेरे से कोई सुनता है ना कि आप अंडमान से आए, मेरे को कोई स्पेशली बोलता है कि आप अंडमान से आए, तो उन लोगों का दिमाग में एक मेंटेलिटी रहता कि आप केला पत्ती लपेट के घूमते हो या फिर वहाँ के जंगलों के जंगलों में रहते हो, क्योंकि वहाँ के लोगों को, इंडिया के अंदर के लोगों को पता ही नहीं है कि अंडमान बोल के तो जगह भी है। अच्छा, वो लोग सोचते हैं कि अंडमान वाले सब निकोबारी है करके सोचते हैं वो, नहीं, लोग मोस्टली जरवा लोग का फोटो देखे है ना, इसलिए लोग सोचते हैं लिटरेट हो गए, पढ़ने लगे हैं। ओंगी शोम्पेन को देखेंगे तो क्या बोलेंगे फिर वो लोग, ओंगीस कैसे, मैंने उसे देखा नहीं है वैसे, तो आपको पता है ओंगीस कैसे होते हैं? तो ऐसे काला 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 वो लोग पहले ये साइड में रहता था, लेकिन सुनामी के बाद अब वो लोग कंक्रीट में रहते। अच्छा, हमेशा हम लोग बस्ती में आते थे। और ये जो लैंग्वेज का है, दुहार का अगर कोई सुनेगा कि वो लोग सोचते हैं कि देखो अंडमान और निकोबार अलग अलग है, अलग है कि नहीं, आप क्या बोलती हैं? अलग है, निकोबार तो अलग है, लेकिन वो अंडमान का पार्ट है। अंडमान का पार्ट है, मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड दोनों मिला के अंडमान निकोबार आइलैंड बनाते हैं। अंडमान में मोस्टली बंगाली, तमिल और सब जो भी बाहर का लैंग्वेज चलता है, लेकिन निकोबार आइलैंड में सिर्फ और सिर्फ निकोबार चलता है। और हम लोग का लिपि तो है, लिपि मतलब लिखने का स्क्रिप्ट है। आपका इंग्लिश कैसा है? ओके, जैसे कि हम लोग एन बोलते हैं ना, उसको ना बोलते हैं। ओके, और जो एम है हम लोग माँ बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में ऐसे ही हम लोग का 1 2 3 भी है। ओके, हो अपने ब्लू ऐसी है। सो निकोबार में कुछ बोलिए ना, अगर आप समझ रहे हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आपके निकोबारी दोस्तों के लिए। ये मैं चैनल जो डिस्क्राइब है, मैं उम्मीद इन रही हमके तो लाइक है मुझको रहे इन है कि तो नेक्स्ट अन्य ब्लॉग। थैंक यू, कर देना बस बोल तो नहीं, कर देना बस समझ गए ना